एक संत हुए भारत में, उनका नाम था रैदास। क्या नाम था उनका? एक गीत मालूम है? गीत सुना, सबको याद है यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। झूम के गाओ यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग पास समानी, जा वायर ऊपर वाला छोड़ दो यार, बात समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास दिन भर में दो जोड़ जूते बनाते थे, हमारी तरह पागल बनकर ओवर टाइम नहीं करते थे। पूरे दिन में दो जोड़ जूते बनाना, हम दुखी क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? अरे जितना खाते हो वो तो एक दिन की कमाई में महीने भर खा सकते हो। ईमानदारी से याद रखना, 10,000 रुपये महीने अगर तनख्वाह है तो 10,000 में से 10,000 खा सकते हो क्या? नहीं। बाकी पैसे तो हम कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन एक बात ईमानदारी से मानना, रैदास जूते बनाते थे, दो जोड़ जूते बनाते थे, एक जोड़ जूता बेचते थे, दूसरा दान कर देते थे, और जो एक जोड़ जूता बिकता था उससे अपना घर चलाते थे और मस्ती में गाते थे। प्रभु जी गाओ यार, तुम चंदन बना रहे थे और सिलते सिलते जब जूते बनाते बैठे, एक पंडित जी निकल के गंगा जा रहे थे। हम भी जानते हैं, हमारे सामने कोई कहे भैया वैष्णो देवी जा रहा हूं, व्यक्ति कहता भैया ये 10 रुपये ले जा माता जी के चरणों में, करते ही नहीं करते। कोई वृंदावन जा रहा, भैया बांके बिहारी के लिए हमारी तरफ से चढ़ा दीजिए। जब रैदास गीत गा रहे थे, पंडित जी ने राम राम भाई रैदास, भाई रैदास ये जूते सीधो। पंडित जी ने महाराज सीने की जरूरत क्या है, एक जोड़ जूता तो मैंने बेच दिया, या दूसरा जोड़ जूता दान करने के लिए रखा है, आप ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो। पंडित जी ने अगर जूते पहने, रैदास बहुत बहुत धन्यवाद, रैदास एक बार बताओ मैं जा रहा हूँ गंगा जी, अगर तुम चाहो तो गंगा माता से कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारे लिए भेंट करूँ, कुछ मांग के आऊँ, प्रार्थना करूँ। रैदास ने कहा पंडित जी गंगा माता से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप गंगा माता पे जा रहे हैं तो जब पूजा कर लें पाठ कर लें तो एक काम करना, ये मेरी तरफ से 2 सुपारी गंगा जी को दे देना। रैदास ने हाथ में सुपारी ली, लेकिन पंडित जी ने कहा पंडित जी बेईमानी मत करना, रोंटिया ही मत करना। बोले क्यों मत करना? ये रोंटिया क्यों बोल रहा हूँ, जो बैठी हुई है दिव्या वो मुझे कई सारे नए शब्द सिखा रही है। बाबा जी रोंटिया ही, उधर जब जाते हैं बुंदेलखंड में, मतलब बेईमानी मत करना। पंडित जी ने कहा बेईमानी मत करना, जैसे आप भगवान के सामने पर्दा लगाते हो और प्रसाद रखते हो 1 किलो मिठाई और बाद में निकाल के पूरी की पूरी। अच्छा तुम कल्पना करो, कभी भगवान के सामने 1 किलो मलाई बर्फी रखो और आधी गायब हो जाते हो। लोग बोले समिति का भगवान बहुत बुरा, अपना वहां का ठीक है। हम तो कई बार भगवान को दे इसलिए रहे हैं, भगवान खाते नहीं हैं। पंडित जी ने कहा देखो रैदास जी ऐसे मत करना, फेंक के आ जाओ, जैसे गंगा जी में पैसा फेंक दिया ऐसे मत फेंकना। अगर गंगा माता से पूछना, गंगा माता रैदास ने सुपारी दी है, अगर आप हाथ बढ़ाओ तो मैं आपको भेंट करूं, अगर गंगा माता हाथ बढ़ा के ले तो तुम सुपारी देना और नहीं तो फेंक कर आ जाना। पंडित जी ने कहा बिल्कुल दिमाग से भी खाली है, आज तक गंगा माता ने हाथ भेजो कहीं कोई के। लेकिन गए पंडित जी, गए पंडित जी ने स्नान किया, स्नान करने के बाद पंडित जी ने याद आई, अरे यार रैदास की सुपारी एक बार ट्राई करो मैं अपने बाप को कहीं जाए। उनने धीरे से कहा ए गंगा मैया रैदास ने सुपारी दी है, तुम अगर हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें दे दूँ। जैसे ही रैदास की सुपारी की बात आई, गंगा में से एक हाथ निकला। पंडित जी घबराए, लेकिन सुपारी हाथ में रखी, हाथ अंदर गया और तुरंत हाथ वापस आया। हाथ के ऊपर एक कंगन रखा था, और जब कंगन रखा था एक आवाज आई, पंडित जी ये कंगन ले जाकर मेरे भाई रैदास को दे देना। पंडित जी घबराए, बोलो कंगन अब मैं इसका क्या करूं, लेकर चले। लेकिन जानते हैं जब पैसा आता है अपनी नियत खराब होती है। पंडित जी अब की बार मस्ती में गीत गाते चले, चलो बोले हरिद्वार आए, बद्रीनाथ भी हो जाऊं, आप कहीं दिक्कत है, पैसा तो आई गया। अब गंगा माता कोई रैदास से तो केवल वाली है नहीं कि मैंने कहीं दियो। बोले चलो, तो एक सुनार के पास गए, भैया ये कंगन आया है खरीद के देख ले। सुनार ने कंगन को देखा, सुनार ने जब गौर से देखा, रत्न माणिक पन्ना नीलम, कहा पंडित जी मेरी तो औकात नहीं है इतना महंगा खरीद सकूं, लेकिन आप थोड़ी सी देर रुको मैं आता हूं। पंडित जी ने कहा मैं दुकान बैठा हूं। बोले यूं गया और यूं आया, सुनार रकम लेके सीधे राजा के पास गया। राजा जी एक बहुत अच्छा आभूषण आया है, आप अपने लिए लो। राजा ने जैसे लेके देखा, राजा ने कहा इसको कहाँ ले जाऊँ। रानी से कहा रानी देखो कितना अच्छा कंगन तुम्हें उपहार दे रहा हूँ। रानी ने जैसे ही कंगन देखा, रानी ने कि मारे दूसरों भी चाहिए, पैसा भले ही चाहे जितना लग जा, भले ही राजपाट बिक जा, पर मारे तो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे
पूरी हो, भले छोटी छोटी भूखा मर जाए आप सरकार, पर थारी मांग पूरी करे। हम सबकी आदत ऐसी होती है, हमने बच्चों को ये सिखाया मेरी मांगे पूरी हो, छोटे छोटे बच्चों को गीत सिखाया मैं चाहे ये करूं मेरे को सुख मिले, दुनिया कैसी तैसी। अरे दुनिया कैसी तैसी कैसे जी पाएंगे, कितना ही बड़ा राजगढ़ का विद्वान हो या महान पुरुष हो या सेठ हो या लखपति हो, अपनी दम पर दुनिया में जी नहीं सकता। मैं इस कपड़े को पहनकर सोचूं ये मैं खरीद लूंगा, मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, लेकिन इस कपड़े को बनाने किसी ने, किसान ने कपास उगाया होगा, किसी ने जमीन में मेहनत की होगी, किसी ने इसको बुना होगा, कितने लोगों की मेहनत के कारण मैं कपड़ा पहन पा रहा हूं। दोस्तों इस दुनिया के बिना हम जी नहीं सकते हैं। राजा ने कहा एक काम करो सुनार भाई, दूसरा कंगन लाके दो। तो जो सुनार बोल रहा था महाराज मैंने अपने हाथ से बनाया, समझना बात को। कई घरों पे जाता हूं तो जब मैं भोजन करने जाता हूं भाई साहब, तो माताएं मैंने बोलती हैं महाराज जी बाबा जी साधु संतों की सेवा तो हम अपने हाथ से करती हूँ, नौकर को हाथ भी लगाने देती हूँ, मैं इनके बहुत अच्छे। और जैसे ही रोटी खावा लगे उन्हीं में नमक ज्यादा, मैं इनके नमक ज्यादा है तो तुरंत बोली क्यों रे गीता सुनार बोला था मैंने अपने हाथों से कड़ा बनाया, तुरंत जैसे राजा ने कहा दूसरा चाहिए, सुनार ने हाथों से महाराज बाप से नहीं बने। बोले तू लायो कहां से, बोलो नहीं पंडित जी ने लाके दियो। बोले चलो पंडित को आगे आगे सुनार, पीछे पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, उसके पीछे प्रजा, और चले जा रहे थे। पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी को जाके पकड़ा, पंडित जी वो कंगन कहां से लेके आए थे? अब पंडित जी बोले गंगा माता ने, तो बोले दो खींच के दूंगा, जैसे पुलिस वाला बोले नहीं, वो आदमी पहली बार झूठ ही बोले तो नहीं पड़ा स्टार्ट, गलत नहीं बोल रहा हूं, इस देश का कानून ही ऐसा है। 10 साल बाद सलमान खान के ड्राइवर को याद आई गाड़ी मैं चला रहा था, इतनी ताकत है पैसे में, गलत नहीं बोल रहा हूं, इतनी ताकत है पैसे में। अगले बार देख लेना, 3 साल बाद वो काला हिरण जो मरा था वो खुद संसद में आके गवाही देगा, कोर्ट में आके साहब मैंने तो आत्महत्या करी थी, सलमान भाई ने थोड़ी मारा मेरे को, मैं तो खुद ही कूद के मरा था, मैं खुद ही गोली चाप गया था। लेकिन बता रहा हूं हमारी आदत है, पंडित जी बैठे हुए थे, सुनार आया पीछे, राजा उन्ने की यूं कहीं लफड़ो रहे, आगे आगे एक ला रहे, पीछे भी भीड़ आ रही है, लेकिन पंडित जी भी निश्चिंत बैठे थे, कोई अपन चोर के थोड़ी लाया, गंगा जी ने दियो। जब आगे आगे आए राजा ने कहा भैया सुनार पूछ पंडित जी, पंडित जी बोले कंगन, बोले गंगा माता ने दिया, बोले गंगा माता देती क्या, बोले हाँ दिया, बोले दूसरों लेके आ चल। अब पंडित जी को लेकर गंगा जी की तरफ, अब पंडित जी की जान सूखी, बोले कोई भरोसा नहीं, अब की बार तो हाथ हिट के कंगन दियो, तो अब की बार मुँह गंगा जी के पास गयो और कहीं मुंडी पकड़ के वहीं डुबो दियो तो बजाओ जोरदार तालियां। पंडित जी मंत्र जानते थे, देखो मंत्र का महत्व नहीं है। मेरा एक मित्र एडी अमेरिका में न्यूयॉर्क में योगशाला है, उसने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे बोला बाबा प्लीज करेक्ट माई प्रोनाउंसिएशन, मेरे मंत्र ठीक कर दो। लेकिन मैंने उस आदमी को सुनकर उसे पांव छीलिए, मैंने कि तू जितना बोल रहा है इससे अच्छा कोई बोल ही, श्रद्धा की बात है। पंडित जी जो बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चलो गंगा माता से कड़ा दिलाओ, लेकिन पंडित जी के मन में इच्छा हुई, पंडित जी ने कहा देवता भी गुस्सा हो सकते हैं लेकिन संत गुस्सा, और संत गुस्सा भी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होते हैं। तो उन्हें एक बात और बताई, मक्खन को तो खुद को आंच लगती तब जाके पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से ही दुखी हो जाते हैं। पंडित जी ने कहा मैं गंगा माता के पास नहीं चलना चाहता, आप एक काम करो रैदास के पास चलो। रैदास के पास चले, आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सुनार, उसके पीछे राजा, उसके पीछे प्रजा, लेफ्ट राइट करते हुए रैदास के पास पहुंचे। रैदास वहीं जूते सी रहे थे और बैठे बैठे गा रहे थे प्रभु जी तुम चंदन, डूब मरो रे हम भी सब हमारी किस्मत में लिखा था। विजय बहन जी गा रही तब तो खूब तालियां बजा बजा के गा रहा था, अब मूवी बहन जी बन जाऊं कहीं तो ढंग से गाओ नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। गा रहे थे रैदास, आगे आगे पंडित जी के पास गए, पंडित जी जाके चरणों में पड़ गए थे। रैदास रेदास रक्षा करो, रेदास ने कहा पंडित जी काय को धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आज भी जिनको हम ठुकरा देते हैं नीची जाति कहकर, समझना मेरे भाइयों
आसमान छूने वाले देवालय किसने खड़े किए, विप्रों की पद सेवा करके उनको किन्ने बड़े किए। अरे जिनने मूर्ति बनाई वो खुद ही मूर्त से दूर हुए, और मंदिर के निर्माता मंदिर दर्शन से मजबूर हुए। तालियां बजाइए उस धोन जी के नाम पर, जालपा माता से लेकर कितने मंदिर रच दिए एक ने हमारे रविदास के वंशज ने। आज मैं बैठा हुआ था, कुछ वाल्मीकि समाज के बंधु मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे कहा बाबा जी हमको बहुत मजा आया, तो मैं इनकी अगली कथा बेटा बांसवाड़ा में आके करूंगा। और एक बार बताओ, अगर बांसवाड़ा कथा करने जाऊंगा तो आप लोग सुनवा आओगे कि नहीं आओगे? आओगे बोलो हाँ। और वहां जो प्रसाद बने वो लोगों का लोगा, अरे शाकाहारी प्रसाद समझना। रेदास बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चरण स्पर्श कर लिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, जो मेला तुम फैलाते हो उसको वही उठाता है, वही तुम्हारे पक्को कोमल कांटों से बचवाता है। बचपन में मेला ढोने वाली माता कहलाती है, तो क्यों मेला ढोने वाली जाति अछूत कहती है। जिस माता ने हमारा मेल धो धोकर हमको बड़ा किया वो तो हमारे लिए पूजनीय है, और जिस जाति ने हमारा इतने सालों तक मेला उठाया वो अछूत कैसे है। दोस्तों तालियां बजाइए उनके नाम पर। प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने भाई आप मेरी इन कड़वी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और इसलिए मैं नहीं कहता, मेरे मन में बात है, ये मेरे मन की पीड़ा है, ये आपके मन की पीड़ा भी है। बैठे थे रेदास, पंडित जी ने कहा रेदास रक्षा कर लो। रेदास ने कहा पंडित जी हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हम तो आपके चरण स्पर्श करेंगे। पंडित जी ने कहा नहीं, चरण स्पर्श की बात नहीं, मैंने बेईमानी की है, आप एक काम करो मेरे साथ चलो। पंडित जी ने रेदास ने कहा कहाँ चलूं, पंडित जी बोले मेरे साथ चलो गंगा जी पर। रेदास ने कहा गंगा क्यों चलूं, बोले आप गंगा के पास चलो। बोले क्यों चलूं, बोले आप पूरी कहानी सुनाई और कहा देखो ये राजा जी मेरे पीछे पड़े हैं, एक कंगन दिया है, गंगा माता ने एक ही कंगन दिया, राजा को एक और चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है गंगा माता के पास जाऊं, आप मेरे साथ चलिए दूसरा कंगन दिला दीजिए। रेदास ने कहा बस इतनी सी बात, पंडित जी ने कहा इतनी सी नहीं मेरी जान संकट बची, चलिए। तो आप जानते होंगे जिन्होंने मेरे चर्मकार भाइयों को देखा होगा, जब जूते सीते हैं तो बगल में कठोता रखते हैं, उस कठोते में चमड़े के टुकड़े गलाते हैं। पंडित जी बैठे हुए थे सामने, रेदास चलो मेरी जान की रक्षा करो गंगा जी पर चलो। रेदास ने कहा अरे पंडित जी एक कंगन चाहिए तो गंगा माता के पास चलने की जरूरत क्या है। अरे पंडित जी अगर मन है चंगा तो कठोती में गंगा। ताली जोरदार। रेदास ने हाथ डाला कठोते में और दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया, पंडित जी चल पड़े। तब से कहावत चली मन चंगा तो कठोती में गंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी।